Hello and good morning everyone. My name is Yugal Vijay Bhesare, lecturer in Mechanical Engineering Department from NIT Polytechnic Nagpur. आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे तीसरे लेक्चर में. आपका जो चैप्टर चल रहा है वो है रेफ्रिजरेशन और आज हम पढ़ेंगे कुछ इंट्रोडक्शन रेफ्रिजरेशन के बारे में. चलिए आगे बढ़ते हैं. सबसे पहले देखते हैं कि हमने पिछले बार क्या पढ़ा था. हमने देखा था कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स रेफ्रिजरेशन की. सो द लर्निंग आउटकम्स विल बी आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस सेशन वी विल एबल टू कंपेयर रेफ्रिजरेटर एंड हीट पंप. ठीक है, प्रोग्राम आउटकम्स आपके ये रहेंगे. सो हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि रेफ्रिजरेटर क्या होता है. रिवाइज कर देते हैं. ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम लो टेम्परेचर रीजन टू हाई टेम्परेचर रीजन requires a special device is called as refrigerator. Low temperature से high temperature में हमें अगर heat को transfer करना है तो एक device की जरूरत लगती है, उसको हम क्या बोलते थे, refrigerator. Refrigerator क्या करता था, transfer कर रहा था low temperature region से high temperature region में और उसको कुछ work देना पड़ रहा था. ठीक है, अब देखो refrigerator किस प्रकार से work करेगा. देखो low temperature resource है यहाँ पर, इसमें मान लो इसका टेम्परेचर है टी एल, लो टेम्परेचर का टी एल दे दिया. ठीक है, यहां से क्या कर रहा है रेफ्रिजरेटर, हीट बाहर निकाल रहा है. कितना हीट बाहर निकाला उसने, क्यू एल. ठीक है, लो टेम्परेचर के लिए मैंने एल दिया है, हाई टेम्परेचर के लिए अपन एच बोलेंगे. ठीक है, सो लो टेम्परेचर सोर्स से, ये सोर्स से क्या कर रहा है, तो आगे देखते हैं रेफ्रिजरेटर में क्या होता है. तो देखो एक लो टेम्परेचर सोर्स है. सोर्स यानी क्या होता है, जहां से हम लोग हीट रिमूव करेंगे. सोर्स यानी क्या, जहां से हीट रिमूव कर रहे हैं. तो लो टेम्परेचर सोर्स है, मान लो इसका टेम्परेचर कितना है टी एल, इसमें से मैं कुछ हीट निकाल रहा हूं. हीट कितना निकालूंगा मैं, क्यू एल. ये डिनोशन समझ लो आप, ये एल किस लिए लिखा है मैंने, क्योंकि लो टेम्परेचर है तो इसके लिए मैंने एल लिखा है. तो TL टेम्परेचर है, हीट कितना निकाला मैंने, QL. कौन निकाल रहा है, तो रेफ्रिजरेटर निकाल रहा है. ये रेफ्रिजरेटर है और ये क्या करेगा, लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर में इसको ट्रांसफर करेगा. तो ये देखो मैं इसको क्या करूंगा, ट्रांसफर करूंगा. लेकिन इसको कुछ तो भी मुझे वर्क देना पड़ेगा, कुछ तो भी उसको इनपुट देना पड़ेगा. तो इनपुट दे दिया मैंने कुछ तो भी वर्क. ठीक है, और ये इस हीट को निकाल के कहाँ फेंकेगा, हाई टेम्परेचर सिंक में. सिंक कहने क्या होता है, जहां पे आप उसको फेंक रहे हो, जहां पे आप उसको स्टोर कर रहे हो. ठीक है, सोर्स यानी क्या होता है, जहां से आप निकाल रहे हो. आप डायग्राम बनाते समय इस चीज का ध्यान रखिएगा, आप ये बहुत बड़ी गलती करते हो सोर्स और सिंक में. ठीक है, या फिर आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो हाई टेम्परेचर रिजर्वायर, लो टेम्परेचर रिजर्वायर आप लिख सकते हो, बट ये एक टेक्निकल टर्म होती है, इसका आप ध्यान रखिएगा. तो देखिए फिर से रिपीट करता हूँ, लो टेम्परेचर सोर्स से हीट वो रिमूव करेगा कहाँ पर, हाई टेम्परेचर सिंक में, जिसके लिए आपको कुछ तो भी इसको वर्क देना पड़ेगा. TL क्या है, लो टेम्परेचर का टेम्परेचर, सोर्स का टेम्परेचर, और ये हाई टेम्परेचर सिंक का टेम्परेचर. ठीक है, यहाँ से कितना हीट निकाला इसने, QL, और कितना हीट यहाँ पे ऊपर फेंका उसने, QH. तो टोटल वर्क क्या होगा, टोटल वर्क अपने को इसको कितना देना पड़ेगा, वो होगा QH माइनस QL. ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, इसकी वाली COP, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस. ठीक है, तो COP यानी क्या होता है, डिजायर्ड कूलिंग इफेक्ट अपॉन नेटवर्क डन. मैंने आपको COP बताया था, क्या होता है फॉर्मूला, डिजायर कूलिंग इफेक्ट या फिर हीटिंग इफेक्ट. और रेफ्रिजरेटर का काम क्या होता है, कूल करना, ठंडा करना. ठीक है, तो कूलिंग क्या है, आउटपुट क्या है अपना, हमारा आउटपुट है कूलिंग करना, तो डिजायर्ड कूलिंग इफेक्ट. और हम इसको इनपुट क्या दे रहे हैं, वर्क डन. तो COP क्या हो गया, कूलिंग इफेक्ट अपॉन नेट वर्क डन. तो कूलिंग, तो यहां से हमारा वर्क क्या है, हमारा मेन उद्देश्य क्या है, आउटपुट क्या है, कि हम ये लो टेम्परेचर सोर्स से कुछ तो भी निकाल रहे हैं, कुछ तो भी हीट हम बाहर निकाल रहे हैं, और ये हीट है हमारी QL. तो COP का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कि हीट कौन सी बाहर निकाले हमने, डिजायर्ड कूलिंग इफेक्ट क्या था, ये QL, और नेट वर्क डन हमने कितना दिया, QH माइनस QL.
तो ये आ गया हमारा एक फॉर्मूला। अगर आप इसको टेम्परेचर के फॉर्म में लिखना चाहते हो तो टेम्परेचर के फॉर्म में भी वही रहेगा, टी एल अपॉन टी एच माइनस टी एल। टी एच बोले तो हायर टेम्परेचर का और टी एल मतलब लोअर टेम्परेचर का टेम्परेचर। समझ में आया फॉर्मूला? सिंपल है ये फॉर्मूला, आपको ध्यान में रखना है आपके न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला कंसेप्ट। तो देखते हैं अगला कंसेप्ट, हीट पंप। कुछ इस प्रकार का डिवाइस आप लोगों ने किसी के घर के आसपास देखा होगा। तो रेफ्रिजरेटर और हीट पंप जो है दोनों भी एक जैसे का काम करते हैं। बस रेफ्रिजरेटर का काम क्या है, किसी चीज़ को ठंडा मेंटेन करना, और हीट पंप का काम क्या है, किसी चीज़ को गर्म मेंटेन करना। कैसे करेंगे, दोनों भी क्या करते हैं, लोअर टेम्परेचर से हीट निकालते हैं, हाई टेम्परेचर में फेंकते हैं। तो रेफ्रिजरेटर का काम क्या है, लोअर टेम्परेचर से हीट निकालना और उस स्पेस को क्या करना, ठंडा मेंटेन करना। और हीट पंप का काम क्या है, लोअर टेम्परेचर से हीट निकाल के हायर टेम्परेचर में फेंकना, ताकि वो जो बॉक्स है, कोई भी एक बॉक्स है, वो क्या रहेगा, आपका हायर टेम्परेचर में मेंटेन रहेगा। ठीक है, कुछ इस प्रकार का वो डिवाइस होता है, ये क्या करता है, हीट बाहर निकालता है और एक बॉक्स को या फिर एक एटमोसफेयर को वो हायर टेम्परेचर पे मेंटेन करता है। इसको आगे देखते हैं हम लोग। तो देखो एक लो टेम्परेचर यहाँ पे क्या है, सिंक है। ठीक है, यहाँ से क्या करेगा, वो हीट निकालेगा, इसका टेम्परेचर है टी एल, यहाँ से वो हीट निकाल रहा है क्यू एल। कौन निकाल रहा है, हीट पंप। हीट पंप को हमें क्या देना पड़ेगा, कुछ तो भी वर्क देना पड़ेगा। ये वर्क दे दिया मैंने, इसने यहाँ से हीट बाहर निकाला और कहाँ पे फेंका, हाई टेम्परेचर सोर्स में फेंका। ठीक है, सोर्स और सिंक बराबर दिखना बेटा, इसका टेम्परेचर है टी एच और कितना हीट निकाला इसने, क्यू एच। तो हमें कितना वर्क देना पड़ेगा इसको, क्यू एच माइनस क्यू एल। काम क्या है इसका, काम क्या है इसका, कि हायर टेम्परेचर ये क्यू एच बाहर निकालना, इसको मेंटेन करना। तो सीओपी क्या होगा, डिजायर्ड कूलिंग इफेक्ट या फिर हीटिंग इफेक्ट, तो अपॉन नेट वर्क डन। तो यहाँ पे क्या हो रही है, हीटिंग हो रही है। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, यहाँ पर आना चाहिए, यहाँ पर हीटिंग इफेक्ट, हीटिंग। ठीक है, बहुत जगह पर यहाँ पर बुक्स में भी मिस्टेक दिखेंगी आपको, आप वहाँ पे क्या लिखेंगे, हीटिंग इफेक्ट ही लिखेंगे। ठीक है, तो सीओपी क्या होगी, कौन सा हीटिंग आप मेंटेन कर रहे हो, क्यू एच। तो सीओपी इक्वल्स टू क्यू एच अपॉन क्यू एच माइनस क्यू एल। ये क्या है, क्यू एच माइनस क्यू एल आपका वर्क। और टेम्परेचर के टर्म्स में कैसे लिखोगे, टी एच अपॉन टी एच माइनस टी एल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कंपैरिजन। पेपर में बहुत बार पूछेगा बेटा आपको कंपैरिजन। तो सबसे पहले कंपेयर करेंगे आप डेफिनेशन से, इट इज़ अ डिवाइस, किसका, हीट पंप का। इट इज़ अ डिवाइस टू मेंटेन टेम्परेचर ऑफ सिस्टम अबाव द एटमोस्फेरिक टेम्परेचर। आपको यहाँ पे क्या करना है, एटमोस्फेरिक टेम्परेचर से ऊपर का टेम्परेचर मेंटेन करना है। और रेफ्रिजरेटर का काम क्या है, बिलो द एटमोस्फेरिक टेम्परेचर आपको मेंटेन करना है। दूसरा आप इसको कंपेयर कर सकते हैं यूजेस से। यूजेस में क्या बोलेंगे, हीट पंप क्या करेगा, हीटिंग पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं, और रेफ्रिजरेटर किसके लिए यूज़ कर रहे हैं, कूलिंग पर्पज़ के लिए। सीओपी का फॉर्मूला, सीओपी में क्या रहेगा, हीट पंप के लिए डिजायर्ड हीटिंग इफेक्ट आएगा, और यहाँ पे रेफ्रिजरेटर के लिए कितना आएगा, डिजायर्ड कूलिंग इफेक्ट अपॉन नेटवर्क डन। दोनों के फॉर्मूले अलग रहेंगे, हीट पंप के लिए क्या रहेगा, क्यू एच अपॉन क्यू एच माइनस क्यू एल, और रेफ्रिजरेटर के क्या रहेगा, क्यू एल अपॉन क्यू एच माइनस क्यू एल। ठीक है, वैसे ही टेम्परेचर के लिए रहेगा। और एक टर्म आप इसमें ऐड कर सकते हो, वो टर्म क्या रहेगी, इनके डायग्राम्स की। तो आप एक टर्म उसमें डायग्राम्स का भी ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया इसका कंपैरिजन। आई होप सभी को समझ में आओगा, डेफिनेशन, यूजेस और सीओपी। ठीक है, अब एक रिलेशन आता है, रिलेशन ऑफ सीओपी। क्वेश्चन पूछेगा आपको कभी 2 या 3 मार्क के लिए कि व्हाट इज द सीओपी, व्हाट इज द रिलेशन ऑफ सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर एंड हीट पंप। ठीक है, तो सी ओ पी ऑफ रेफ्रिजरेटर हमने देखा था टी एल अपॉन टी एच माइनस टी एल होता है, वैसे ही हीट पंप के लिए भी दिया रहेगा टी एच अपॉन टी एच माइनस टी एल। ये भी आपने पढ़ा है, पढ़ा है ना। अब मैं क्या करता हूँ, दोनों का डिफरेंस कर देता हूँ, दोनों को क्या कर देता हूँ, माइनस कर देता हूँ। तो हीट पंप में से मैंने रेफ्रिजरेटर को माइनस कर दिया, तो टी एच अपॉन टी एच माइनस टी एल माइनस टी एल अपॉन टी एच माइनस टी एल कर दिया। तो दोनों का बेस जो है सेम है, तो मैं इसको एक करके लिख सकता हूँ, दोनों को एक करके लिख दिया। तो
ये क्या हो जाएगा, टी एच माइनस टी एल अपॉन टी एच माइनस टी एल, दोनों हो गए कैंसल, दोनों भी क्या हो गए कैंसल, तो वैल्यू कितनी आई वन। तो मैं क्या ये बोल सकता हूँ कि सी ओ पी ऑफ हीट पम्प इज नथिंग बट वन प्लस सी ओ पी ऑफ रेफ्रिजरेटर, सी ओ पी ऑफ एच पी इक्वल टू वन प्लस सी ओ पी ऑफ आर। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये याद रख लेना हमेशा। और ये क्या है आपका रिलेशन है किसका, सी ओ पी ऑफ हीट पम्प एंड सी ओ पी ऑफ रेफ्रिजरेटर का, ठीक है। तो ये आपके लिए डेरिवेशन कभी कभी वो पूछता है, रिलेशन ऑफ सी ओ पी बिटवीन हीट पम्प एंड रेफ्रिजरेटर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो यूनिट आउटकम्स अचीव्ड क्या है, स्टेट वेरियस पैरामीटर्स रिलेटेड टू रेफ्रिजरेशन। आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने देखा कि हीट पंप और रेफ्रिजरेटर के बारे में, रिलेशन ऑफ सीओपी भी देखा, ठीक है। और ये रहे आपके प्रोग्राम आउटकम्स अचीव्ड। तो कौन से मोस्ट लाइकली क्वेश्चन रहेंगे, ये आ गए भड़ा भड़, कौन सा है सबसे पहला, स्टेट द रेफ्रिजरेशन एंड विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, रेफ्रिजरेशन आप बताइए डायग्राम के साथ में और उसका फॉर्मूला बताइए, ठीक है, फॉर्मूला फॉर सी ओ पी। स्टेट अ हीट पम्प विद द हेल्प ऑफ डायग्राम एंड राइट इट्स फॉर्मूला फॉर सी ओ पी, ये भी आसान है। डिराइव द रिलेशन ऑफ सी ओ पी ऑफ हीट पम्प एंड रेफ्रिजरेटर, डिफ्रेंशिएट बिटवीन हीट पम्प एंड रेफ्रिजरेटर, अभी आपको पढ़ाया, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। सो दैट्स ऑल फ्रॉम टूडेज लेक्चर, थैंक यू। अब नेक्स्ट लेक्चर में क्या पढ़ेंगे, कार्नोट साइकिल के बारे में पढ़ेंगे। सो दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज लेक्चर, कीप लर्निंग, हैप्पी लर्निंग।